दुनिया के किसी भी देश में जाइए तो अगर कोई भी भारतीय मिलता है तो दो तीन चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। साहब एयरपोर्ट पर उतरे और ऐसा हुआ, टैक्सी वाला मिला ऐसा हुआ, साफ शौचालय, वॉशरूम, ये चार पांच चीजें कॉमन सुनने को मिलती है। और बहुत स्वाभाविक है, इतने सालों से यहां रहने के बाद। और इसीलिए मैंने देश में सबसे बड़ा एक काम जो उठाया है और वो है स्वच्छ भारत का। कठिन काम है लेकिन किसी ने तो शुरू करना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई, इतना बड़ी सौगात महात्मा जी हमें देके गए हैं। हमने महात्मा जी को क्या दिया? कुछ तो हमने लौटाना चाहिए। और इसलिए मैं देशवासियों को कहता रहता हूं कि 2019 तक हम ऐसा हिंदुस्तान साफ सुथरा बना दें और 2019 में एकदम साफ सुथरा हिंदुस्तान महात्मा जी को हम पर अर्पित करें। भारतीय समुदाय की एक विशेषता रही है और हम लोग इस बात का गर्व जितनी मात्रा में करना चाहिए नहीं करते हैं। बड़ी दबी जबान में हल्के फुल्के ऐसे करते हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर भारतीय समाज गया, 100 साल पहले गया, 150 साल पहले गया, कहीं पर भी गया, किसी भी देश से, उस समाज से अब तक कोई शिकायत नहीं आई है कि हिंदुस्तानियों ने हमारा ऐसा कर दिया, हमारा लूट लिया, हमारा ये छोटे संस्कार नहीं है जी, ये संस्कार छोटे नहीं है। विश्व का कोई भी समाज कहीं पर भी, व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई गलती हुई होगी, अच्छा बुरा हो गया होगा, लेकिन एक समाज के रूप में दुनिया में कहीं से कोई शिकायत भारतीय समुदाय के लिए नहीं आई है। ऊपर से सुनने को क्या मिलता है? भाई ये बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत ही सरल है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समस्या कभी पैदा नहीं करते हैं। ये हमारी विरासत है, हमारी पूंजी है और पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से ये बनी है और इसका श्रेय आप सबको जाता है। आपने ये करके दिखाया है और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एम्बेसी में आकर के भारत क्या है जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन आपसे मिलकर के तुरंत समझ पाएगा भारत क्या है। आप भारत को कैसे जीते हैं, आप भारत को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, भारत की बात को गौरव से कैसे प्रस्तुत करते हैं, उस पर निर्भर करता है। और एक जमाना ऐसा था, मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले ताइवान गया था, तब तो मैं इस सरकारी नौकरी में नहीं था तो ऐसे ही एक नागरिक के नाते गया था और 7-8 दिन मेरे पास उस समय समय भी बहुत रहता था तो कोई काम धाम तो था नहीं। तो मेरे साथ वहां की सरकार ने एक इंटरप्रेटर लगाया था, वो इंटरप्रेटर कंप्यूटर इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, मेरे साथ इंटरप्रेटर के रूप में काम करता था। कोई गौर को भाई उसकी मदद के बिना हमारी गाड़ी चलती नहीं थी। तब दोस्ती हो गई हमारी 5-6 दिन में। पहले तो बड़ा ही
नियम से रहता था, प्रोटोकॉल में रहता था, और शायद वो एमईए डिपार्टमेंट का ही होगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल होता है, तो वो भी ऐसे ही रहता था, थोड़ा सा भी इधर उधर खिस सकता नहीं था। लेकिन 5-6 दिन में मेरा व्यवहार देख के उसको लगा हाँ ये आदमी दोस्ती करने जैसा है, तो मुझसे दोस्ती हो गई, बातें करने लगा। आखिर 1-2 दिन बाकी थे तो उसने मुझे सवाल पूछा, बोले साहब आपको बुरा ना लगे तो मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा जरूर पूछिए। नहीं बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना। मैंने कहा पूछो भाई, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं बोले सचमुच में आपको बुरा नहीं लगेगा ना। ऐसा वो बड़ा मैंने बड़ा डरते डरते मुझे पूछ रहा था। फिर मुझे कहता मैं ताइवान की 20वीं सदी के उत्तरार्ध की घटना कह रहा हूं आपको, 20th सेंचुरी के लास्ट मंथ की, लास्ट ईयर की। मुझे कहता है क्या आज भी भारत में जादू टोना वाले लोग रहते हैं? आप भी जापान भारत में ब्लैक मैजिक चलता है? आप आज भी भारत में सांप छछुंदर वाला सारा खेल चलता है? और वो ये मानता था कि हिंदुस्तान में ये सपेरे लोग ही सब रहते हैं। यानी मैं आप कल्पना कीजिए, दुनिया इतनी बदल चुकी है, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन उस देश में हमारी छवि ये थी। तो मैंने कहा भाई अब तो हम सांप वाले नहीं रहे, हमारा बहुत डिवेल्यूशन हो गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम और हल्के फुल्के हो गए। तो बेचारा समझा नहीं। मैंने कहा पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवोल्यूशन डिग्रेशन होते 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 हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं दुनिया पूरी हिलती है। मैंने कहा हमारे देश के 20-22-24 साल के नौजवानों ने दुनिया को अचंभित कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। पूरे विश्व को भारत के ओर देखने का नजरिया बदलना पड़ा। कोई सरकार, कोई पीआर एजेंसी अरबों खरबों रुपए का बजट जो काम नहीं कर सकता था, वो हिंदुस्तान के 20-22 साल के नौजवानों ने कंप्यूटर पर अपनी उंगली घुमा घुमा करके दुनिया का रूप बदल दिया है। ये ताकत हमारे देश की है, हम इसका गर्व करते हैं क्या? विश्व के सामने हमने अपनी बातों का गर्व होता है। आप दुनिया का कोई भी देश लीजिए, क्या दुनिया के देशों में कठिनाइयां नहीं होगी? होगी। तकलीफें नहीं होगी? होगी। अच्छे बुरे इंसान नहीं होंगे? होंगे। लेकिन विश्व का वही समाज आगे बढ़ता है जो अपनी अच्छाइयों के लेकर के जीता है, रोते बैठता नहीं है, छोड़ो यार छोड़ो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया हिंदुस्तान में पैदा, अच्छा होता मैं यही किसी और देश में, ऐसा ऐसा समाज दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकता है। अपने पास जो भी है उसके लिए जो गर्व करता है, स्वाभिमान से जीता है, और इसलिए हम दुनिया में कहीं पर भी रहे दुनिया की सारी अच्छी चीजों का गर्व करें, लेकिन अपने स्वाभिमान के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये अपने आप तक बड़ी ताकत होती है। देखिए भगवान राम जी श्रीलंका गए थे, लंका गए, सोने की लंका थी, आखिर वो भी तो इंसान तो थे ही थे, कौन मोहित नहीं हो जाता था लंका से? सोने की लंका थी, कौन मोहित नहीं हो जाता था? लेकिन सोने की नगरी में विजयी होकर के खड़े रहने के बाद भी वो कहते क्या है, स्वर्गादीपि गरीयसी, अयोध्या के लिए ये भाव था उनके मन में, मेरा अयोध्या जैसा भी हो, गरीबी होगी, कठिनाइयां होगी, भले तुम्हारी लंका सोने की हो तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो स्वर्गादीपि गरीयसी। ये जो सबक है, जो ये संदेश है, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत होता है। और मैं चाहूंगा विश्व भर में फैला हुआ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो,
उसके हृदय में ये भाव बना रहना चाहिए। बाकी तो मैं इस देश का मेहमान था, भारत की बात लेके आया था, भारत की बात सुनाने आया था, जापान की बातें सुनने समझने की कोशिश की। बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं जापान के साथ, बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं। हिंदुस्तान में ट्रिलियन शब्द पहली बार शायद चर्चा में आएगा। कानों पर मिलियन बिलियन तो थोड़ा बहुत आने लगा है, ट्रिलियन शब्द पहली बार वहां चर्चा में आया है। 3.5 ट्रिलियन येन, करीब 35 बिलियन डॉलर, यानी कि 2,10,000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। कुछ एरिया बड़े सेंसिटिव्स होते हैं, जो जिसको दो देशों को जरा आशंकाओं का माहौल रहता है। हमारे देश की 6 कंपनियां ऐसी थी जो प्रोडक्ट करती थी वो जापान में प्रतिबंधित थी। जापान के साथ हमारा उस विषय पे हमेशा लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का है कि जापान ने हम पर भरोसा किया, और भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है दुनिया के संबंधों में। भरोसा एक ऐसा केमिकल है जी, जो फेविकॉल से भी ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती बना देता है। गहरी दोस्ती बना देता है। और उस भरोसे के कारण जापान ने उन 6 हमारे जो कंपनियों के उत्पादन थे जिसको प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया। मैं हूं तो पैदा तो गुजरात में हुआ, गुजरात मुझे पाला पोषा बड़ा किया, लेकिन इन दिनों मैं काशी की सेवा में हूं, वाराणसी का मैं एमपी हूं। तो मेरा दायित्व भी बनता है वाराणसी जैसे वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी को, वेद काल में से भी पहले की, यानी शायद दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के रूप में उसका वर्णन आता है। क्योटो भी काफी पुरानी नगरी है, यहां भी हजारों मंदिर हैं, वहां भी हजारों मंदिर है, यहां पर भी उसकी आत्मा जो है, स्पिरिचुअल आत्मा जो है, उसको संभालते हुए ना उसको मॉडर्नाइज किया है। मेरे मन में रहता था क्या वाराणसी नहीं हो सकता ऐसा, और इसलिए मैं इस यात्रा में मैंने कुछ समय क्योटो में भी निकाला। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके क्योटो आए, मुझे सब जगह पे दिखाने के लिए ले गए, काफी समय मेरे साथ बिताया, बहुत हल्की फुल्की बहुत सी गप्पे गुस्सी बातें हुई, बहुत अच्छा माहौल रहा। लेकिन मेरा जो सपना था भाई, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं, तो क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है, और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए, हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए, और क्योटो एक ऐसी सिटी है कि जिसके 17 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में है, एक नगर के 17 स्ट्रक्चर वर्ल्ड हेरिटेज में, वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जी, ऐसी वो नगरी है। तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और क्योटो और वाराणसी दोनों एज ए नगर हेरिटेज सिटी में है, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था, और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही है, बहुत सफल। मैं इस यात्रा को एक और रूप में भी विशेष देखता हूं। सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता।
मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर, हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मैं, मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मेरे जापान में आज जाके महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है, और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है। जापान के लोगों के दिलों में भारत के लिए विशेष स्थान है, आप लोग यहां रहते हैं आप अनुभव करते होंगे, लेकिन उसका कारण हमारे लोगों के कुछ विशेष व्यवहार रहे, वो रहे। मुझे यहां बताया गया कि जब हिरोशिमा की घटना हुई उसके बाद दुनिया के कई देशों के लोग यहां मदद के लिए आए थे, बड़ा खत्म हो चुका था, अकेले हिंदुस्तान के जो वॉलंटियर आए थे वो ही अकेले ऐसे थे कि जो डेड बॉडी को अपने हाथों से उठाते थे, बाकी दुनिया से आए हुए लोगों को मशीन से सारी चीजें हटाते थे। भारत के लोग हिरोशिमा की उस आपत्ति में मृतात्मा जो थे उनके शरीर को अपने हाथों से उठा के ले जाते थे, इस बात का उनके मन पर प्रभाव आज भी है कि ये देश जीवित जापानी को ही नहीं मृतक जापानी को भी उतना ही सम्मान देता है, ये संस्कार उनके दिल में। चीजें छोटी होती हैं लेकिन, और इन 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 इसके कारण एक ऐसा इमोशनल बाइंडिंग है, इतना इमोशनल बाइंडिंग है, उस बाइंडिंग का हम इस मैत्री को आगे बढ़ाने के पीछे में एक वैश्विक परिदृश्य में बहुत अलग रूप देखता हूं। मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूं इसलिए मुझे उस टर्मिनोलॉजी का तो ज्ञान नहीं है, वो लोग कैसे इसको सोचते होंगे, लेकिन मेरा जो रॉ विजडम है, जो मुझे जो एक सामान्य समझ जो मेरी है, वो मुझे कहती है, सारी दुनिया कहती है कि 21वीं सदी एशिया की होगी, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब लोग कहते हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट सब लोग बोल चुके हैं कि 21वीं सदी एशिया की होगी। कोई आगे बढ़ के कहता है 21वीं सदी चाइना की होगी, कोई कहता है 21वीं सदी इंडिया की होगी, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 21वीं सदी एशिया की होगी। अब 21वीं सदी एशिया की होगी ये तो कन्फर्म है, लेकिन 21वीं सदी कैसी होगी ये भी कन्फर्म नहीं है, और वो कैसी होगी ये उस बात पर डिपेंड करता है कि भारत और जापान की मैत्री कैसी है, भारत और जापान मिलकर के किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, विश्व को किस दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, उस पर 21वीं सदी का दिशा, 21वीं सदी की दशा ये निर्भर रहने वाली है। और उस अर्थ में भारत और जापान के मैत्री का प्रभाव आने वाली पूरी शताब्दी पर रहने वाला है, और आप जब जापान में रहते हैं तो इसकी ताकत क्या है, इस ताकत को समझ करके एक नागरिक के नाते, एक भारत के प्रतिनिधि के नाते, जापानियों के दिल में किस प्रकार से हमारा जुड़ाव बढ़ता चले और हम इस सपनों को साकार करें, मुझे विश्वास है कि भारत के गौरव को बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान रहेगा। मैंने आपसे न येन मांगा है, न पाउंड मांगा है, न डॉलर मांगा है, उसके बावजूद भी आप बहुत कुछ देश की सेवा कर सकते हैं, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।